Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start chapter 3rd, exercise 3.1 of class 7th mathematics. I have been already discussed question number 1, which is write the place value of 3 in the following decimal numbers. And then question number 2, express 8 cm in meter and kilometer. So firstly we know about the relation between centimeter and meter and also centimeter and kilometer. So 1 kilometer is equal to 1000 meter and 1 meter is equal to 100 centimeter. Okay, तो आप क्या करोगे, आप इसका यूज करके आप मुझे ये करके बताओगे 8 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर एंड देन द सेकेंड वन इज 95 मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर. ओके एंड देन क्वेश्चन नंबर 3rd एक्सप्रेस इन किलोग्राम. क्वेश्चन 2 आप ये रिलेशन का यूज करना है, दिस इज नॉट द आंसर. ओके एंड देन क्वेश्चन नंबर 3rd, द क्वेश्चन नंबर 3rd इज एक्सप्रेस इन किलोग्राम. सो फर्स्टली वी नो अबाउट द रिलेशन बिटवीन किलोग्राम एंड ग्राम. So 1 kilogram is equal to 1000 gram. Okay. अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 gram is equal to 1 kilogram. Okay. And then 1 gram की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन 1000 किलोग्राम. ओके कितना फाइंड आउट करना है, 5000 420 ग्राम इज इक्वल टू. अब क्या करेंगे, 5420 का मल्टीप्लाई विद 5420, तो आंसर कितना आएगा, यहां आप देखो अपॉन 1000. ओके तो आप देखो इसको कैसे करना है, ये डिवाइड में है विच मीन्स पहले तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया. ओके अब यहां आप देखो अपॉन में कितने जीरो हैं, 2. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा, जो मतलब डिवाइड करोगे तो आंसर ये आएगा 5.42. मीन्स जितने जीरो होते हैं राइट हैंड साइड से उतने नंबर आगे पॉइंट आ जाता है. ओके जैसे यहां 2 है तो 2 आ गया, 2 नंबर के पहले क्या आ गया, पॉइंट आ गया. ओके अगर यहां 3 होता तो 3 जीरोस होते तो 5 के आगे लगाते, विच मीन्स दैट कहां से काउंट करना है, राइट हैंड साइड से. ओके सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd. यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, किलोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है. ओके किलोग्राम लिखना पड़ेगा और वही क्या है आंसर. तो ये फर्स्ट है, सेकेंड एंड थर्ड आप करोगे. थर्ड सेकेंड में आप देखो 15 किलोग्राम ऑलरेडी है. ओके तो आपको क्या करना पड़ेगा, केवल 2 ग्राम को चेंज करना है. जैसे मैंने यहाँ कितना बताया, 5420 ग्राम बताया ना, तो आपको 2 ग्राम को चेंज करके उसमें 15 किलोग्राम आप उसको ऐड कर दोगे. ओके ऐड मैंने बताया था पॉइंट. अब जैसे क्वेश्चन सेकंड देख लो आप कैसे करना, 15 किलोग्राम 2 ग्राम ये लिखा हुआ है. ओके तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सेम एज इट इज 1000, पहले आप 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम, 2 ग्राम है, 2 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई विद 200 आ गया, 1 अपॉन 200 ये क्या है, ये किलोग्राम है. ओके अब आप इसको क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे. अब वो ऐड कैसे होगा, जैसे ये लिखा हुआ है 15 प्लस 1 अपॉन
200, इसको ऐड करते आएगा आपसे, क्या करना है अपॉन में वन करके एलसीएम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई मेथड से आप सॉल्व कर दोगे। इसको करने का एक और तरीका है कि आप इसको पहले कन्वर्ट कर लो ग्राम में पूरा, एंड देन आप क्या करो सेम प्रोसेस से इसको सॉल्व कर लो। ओके, तो आप चाहे ऐसे करो या फिर आप दूसरी वाली मेथड से करो। जैसे ये 15 किलोग्राम है तो क्या होगा, 15 किलोग्राम 15,000 ग्राम हो जाएगा। ओके, एक और मेथड मैं बता देती हूँ, ये यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा। ओके, और एक और मेथड है, वो मेथड है जैसे लिखा हुआ है 15 किलोग्राम 200 ग्राम, तो 15 किलोग्राम ऐसे लिखोगे आप, एज वी नो 15 किलोग्राम इज इक्वल टू 15,000 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1,000 ग्राम, तो 15 किलोग्राम इज इक्वल टू 15,000 ग्राम। अब ये क्या है, 2 ग्राम एक्स्ट्रा में है, विच मीन्स दैट यहाँ पे 2 क्या होगा, 15,000 प्लस 2 क्या आएगा, 15,002 ग्राम। ओके, एंड देन अब ये क्या करोगे आप, सेम प्रोसेस से सॉल्व कर लोगे। मींस जैसे ये आपको लाइन सेम एज इट इज लिखनी है, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम, एंड देन कितना फाइंड आउट करना है, 15,002 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड विद 15,002। ओके, एंड देन 3 जीरोस हैं, विच मींस दैट राइट हैंड साइड से क्या करना होगा, पॉइंट काउंट करके लगाना होगा। ओके, तो यहाँ क्या है, 1, 2, 3, 3 जीरोस थे तो 1, 2, 3 राइट हैंड साइड से। ओके, यहाँ पे आ जाएगा क्या, पॉइंट, और यही क्या है आपका आंसर, क्या है आंसर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर यही आएगा। तो आप देखो ये क्या है, ये सेकंड मेथड है। ओके, ये क्या है, इस क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का ये सेकंड मेथड है। तो यहाँ आप और करके लिख लोगे ये वाला मेथड। ओके, ये जो मैंने बताया है आपको, चाहो तो आप इससे करो या फिर आप इस मेथड से करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, थर्ड आई विल गिव इट टू यू इन होमवर्क। क्यों, अब यहाँ पे देखो आप मिलीग्राम में हैं, तो आपको मिलीग्राम को पहले चेंज करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, मिलीग्राम में दिया हुआ है, तो पहले आप कन्वर्ट करोगे किसमें, इसको ग्राम में। तो ग्राम में क्या होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है क्या, 1000 मिलीग्राम। ओके, तो सेम एज इट इज प्रोसेस से आप पहले ग्राम में कन्वर्ट करोगे एंड देन आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। ओके, समझ में आ गया आपको। एंड देन क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सप्रेस इन रुपीज, दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट 25 पैसा, एक्सप्रेस इन रुपीज। तो सबसे पहले रिलेशन मालूम होना चाहिए किसमें, किसमें, रुपीज एंड पैसा में। तो 1 रुपीज इक्वल टू कितना होता है, 100 पैसा। ओके, अब देखो आप पैसा को कन्वर्ट करना है ना, तो इसको पहले लिखना होगा, मीन्स 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी। ओके, देन 1 पैसा इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपी। ओके, एंड देन 24 पैसा इज इक्वल टू 24 अपॉन 100 रुपी। ओके, अब यहाँ आप देखो कि ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, कि यहाँ पे आप जैसे ये है, ये इवन नंबर्स है, तो आप कैंसिल आउट कर दोगे 2 से, लेकिन कैंसिल आउट नहीं करना, नहीं तो जो आपका इक्वेशन है वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ओके, तो
यहाँ पे देखो टू जीरोज है, विच मीन्स दैट आंसर कितना आएगा 0.24। राइट से कितना आपको टू नंबर्स पहले आपको पॉइंट पुट करना होगा, ओके। और यहाँ क्या आ जाएगा रुपीस, ये क्या है आपका आंसर, सेम एज इट इज सेकेंड एंड थर्ड है। अब थर्ड में आप देखो 55 रुपीस 55 पैसा लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, रुपीस को पहले चेंज कर लिया पैसा में, देन ओवरऑल जैसे मैंने अभी किलोग्राम का बताया था और ग्राम का, वैसे ही आपको क्वेश्चन फोर्थ थर्ड करना है, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बाय हाउ मच इज द सम ऑफ 33.12 एंड 18.015 ग्रेटर देन द देयर डिफरेंस, विच मीन्स दैट कि जो इसका सम है वो इसके डिफरेंस से कितना ज़्यादा है। मीन्स सबसे पहले क्या करोगे आप, सम करोगे, देन डिफरेंस निकालोगे, एंड देन सम एंड डिफरेंस का भी क्या निकालोगे, डिफरेंस, और फिर आपको आंसर मालूम होगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको करना है, एंड देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ मच लेस इज 27 किलोमीटर देन 47.3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप देख लो पहले, सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे, सम, ओके, सम मींस एडिशन, एंड देन डिफरेंस, एंड देन जो सम और डिफरेंस आया हुआ है इसका भी आप क्या फाइंड करोगे, डिफरेंस फिर से, ओके, जो यहां आंसर आएगा और यहां आंसर आएगा उसका भी फिर से क्या फाइंड करोगे, डिफरेंस, तो आपको आंसर मिलेगा, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या है, हाउ मच लेस इज 27 किलोमीटर देन 47.3 किलोमीटर। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल आपको डिफरेंस निकालना है, विच मीन्स दैट 47.3 किलोमीटर एंड देन 27, अब यहाँ पे पॉइंट में कुछ भी नहीं है, मींस पॉइंट जीरो आएगा, ओके, एंड देन आपको माइनस करना है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था पॉइंट के नीचे पॉइंट रखोगे कभी भी आपका मिसमैच नहीं होगा और गलत नहीं होगा, ओके। 302 मींस 20.3 किलोमीटर, ओके, दिस इज योर आंसर। और ये रफ वर्क में बता रही हूँ आपको, पूरा सिस्टमैटिक वे में लिख के मुझे दिखाना है, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज टू बी एडेड टू 63.58 टू गेट 92। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, लेट द वैल्यू इज एक्स, सिंपल आप क्या करो, इज एक्स, ओके, व्हाट इज टू बी एडेड टू, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स प्लस 63.58 इज इक्वल टू 92, ओके। अब यहां देखो 92 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट 0.00, मैंने टू डिजिट तक ही क्यों लिया, क्योंकि यहां भी टू डिजिट ही गिवन है क्वेश्चन में, ओके। एक्स इज इक्वल टू 92.00 एंड देन माइनस 63.58, इसको माइनस करके आपको आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ओके। ये एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू क्या है, वो नंबर है, ओके। एंड देन क्वेश्चन नंबर एट, सेम एज इट इज है, व्हाट इज टू बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 8.1 टू गेट 0.813, विच मीन्स दैट x माइनस 8.1 इज इक्वल टू 0.813, सेम एज इट इज होगा, ओके। एंड देन दिस इज द कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ 3.1 एंड देन एक्सरसाइज 3.2। इफ यू हैव एनी डाउट इन एक्सरसाइज 3.1, मैसेज मी ऑन माई नंबर, ओके। So this is exercise 3.2, question number 1, first, the first question is 5.43 multiplied with 6, find, okay? So, आप सबसे पहले क्या देखोगे कि
पॉइंट जो है वो कितने डिजिट के आगे लगा हुआ है, मैंने पहले भी बताया है कि इसको आपको कहाँ से काउंट करना है, राइट हैंड साइड से। जैसे 1 2 आप यहाँ से नहीं लोगे, आप कहाँ से लोगे, यहाँ से लोगे। ओके, और आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो जब मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप पॉइंट को भूल जाओ, सिंपल आप मल्टीप्लाई करो 543 मल्टीप्लाइड विथ 6, 6 3 18 25 2 32। ओके, ये आंसर आपका आया, आपने यहाँ आंसर लिखा। ओके, एंड देन कितने डिजिट के आगे है, पॉइंट 2 डिजिट के आगे है ना, विच मीन्स दैट यहाँ भी आप राइट से कितना 2 डिजिट काउंट करोगे, विच मीन्स दैट 1 2 कहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ पे। ओके, अब यहाँ से आप कंफ्यूज नहीं होना, ऑलवेज रिमेम्बर वन थिंग, आपको हमेशा राइट हैंड साइड से ही काउंट करना है। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर सेकंड भी मैं बता देती हूँ आपको, 0.327 मल्टीप्लाई विथ 12 ये लिखा हुआ है, तो आप सिंपल क्या करोगे, 327 मल्टीप्लाइड विथ 12। कितना है आपका 3924। ओके, एंड देन आपको कहां से काउंट करना है, 1 2 3 थ्री डिजिट के आगे है पॉइंट, तो यहां भी थ्री डिजिट के आगे 1 2 3 कहां आएगा पॉइंट, यहां पे। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ओके, समझ गए आप, सेम एज इट इज आपको सेकंड भी फाइंड आउट करना है एंड देन थर्ड क्वेश्चन भी। ओके, थर्ड में क्या है आपका, 3 नंबर्स हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देखोगे 3 नंबर्स हैं, क्या है 23 मल्टीप्लाइड विद 2.3 मल्टीप्लाइड विद 0.23 ये लिखा हुआ है आपका, तो सबसे पहले आप इसको फाइंड आउट कर लो, विच मीन्स दैट 23 × 23 करके पॉइंट कहाँ प्लेस करोगे आप, 1 डिजिट के आगे, जो यहाँ पे आंसर आएगा वहां यहाँ पे 1 डिजिट होगा और देन रिमेनिंग डिजिट पॉइंट के बाहर होंगे। ओके, एंड देन मल्टीप्लाइड विद 0.23। अब देखो दोनों में ही है, तो 1 2 और ये कौन सा डिजिट आ गया, 3, विच मीन्स दैट जो आंसर आएगा उसमें कितना डिजिट होगा, 3 डिजिट आगे होगा पॉइंट। ओके, समझ में आ गया, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4, इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 28.50 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 48 सच पेन। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू रुपीज 28.50। ओके, अब कॉस्ट ऑफ 48 पेन्स आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, 48 का मल्टीप्लाई, विच मीन्स दैट 28.50 मल्टीप्लाइड विथ 48। अब सेम एज इट इज आप कर लोगे, पॉइंट कहाँ है, 1 एंड 2 टू डिजिट के आगे है, तो आंसर में भी कितना आएगा, 2 डिजिट के आगे पॉइंट आएगा, और सेम सिंपल मेथड से आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ओके, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। एंड देन क्वेश्चन नंबर 5, इफ 1 ड्रम कैन होल्ड 14.850 लीटर ऑफ ऑयल, how many liters can 58 such drum hold? Okay, same as it is, question number 5th में भी क्या करना है आपको, multiply करना है। Okay, same as it is, जैसे 4 है वैसे 5th है। अब question number 6 is, 1 meter of cloth cost 218.50 rupees, what is the cost of 16.5 meters of cloth? सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बट सिस्टमैटिक वे में लिखना है, ऐसे ही जैसे मैंने बताया है। ओके, यहाँ क्या आएगा आपका आंसर, और पॉइंट का ध्यान रखना, और मुझे जरूर आप अपनी पिक सेंड कर देना, अदरवाइज यहाँ अगर पॉइंट गलत होगा तो आपका पेपर में भी गलत हो जाएगा। ओके, एंड देन अ टैक्सी ड्राइवर चार्जेस
रुपीज 11.20 पर किलोमीटर हाउ मच विल ही चार्ज फॉर अ जर्नी ऑफ 212.5 किलोमीटर. सेम एज इट इज आपको क्या करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है. क्वेश्चन नंबर 7 में भी रेशमा परचेस्ड, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8, रेशमा परचेस्ड 1.5 किलोग्राम वेजिटेबल एट द रेट ऑफ 8.50 पर किलोग्राम, हाउ मच मनी शुड सी पे. सेम एज इट इज आपको क्या करना है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में भी. एंड देन क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखो तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. मींस क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, बट वहां पे आपको फॉर्मूला मेंशन करना होगा कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, एंड देन क्वेश्चन नंबर 10, द साइड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरिमीटर. क्वेश्चन नंबर 10 में बता देती हूँ आपको. अब देखो क्या है, ये ट्रायंगल है, और कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल. इक्विलेटरल का मीनिंग होता है कि जिसकी थ्री साइड्स हैं, ट्रायंगल है तो थ्री साइड्स होंगी, और जिसमें थ्री साइड्स इक्वल हों, विच मीन्स दैट हर एक साइड की वैल्यू क्या है, 3.5 सेंटीमीटर. ओके, तो आपको इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओके, ये आप कंप्लीट कर लेना, इज इक्वल टू 3.5. कितनी साइड्स हैं, 3.5, थ्री साइड्स हैं, तो आप तीनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा आपका, या फिर यहां पे आपका आंसर आ जाएगा. ओके, सही होगा. ये आ गया आपका आंसर 10.5. अब यहां ध्यान रखना कि मैंने आपको पॉइंट में, जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तब मैंने आपको डिजिट काउंट करने को बोला था, लेकिन यहां आप डिजिट मत काउंट करना, क्योंकि यहां प्लस है. ओके, प्लस कैसे कर रहे हो आप, ऐसे कर रहे हो, ऐसे आप प्लस कर रहे हो. ओके, और मल्टीप्लाई में डिजिट काउंट होती है, समझ गए. तो कितना आएगा आंसर, 10.5. या फिर आप ऐसे कर सकते हो, कितनी साइड्स है, थ्री साइड्स है, 3 मल्टीप्लाइड विद 3.5. ओके, तो भी आंसर कितना आया, 105 आपने मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा, और यहां क्या है, वन डिजिट है, तो यहां आ जाएगा यार पॉइंट. ओके, पॉइंट आ जाएगा, और क्या दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो यहां भी आप सेंटीमीटर लगाओगे, या फिर यहां आप सेंटीमीटर लगाओगे. ये टू मेथड्स हैं. ओके, आप कोई सा भी कर सकते हो, चाहे ऐड कर सकते हो, चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हो. So this is the end of the class. Thank you.